हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे और हेल्दी भी होंगे, है ना। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक फेस पैक। एक्चुअली हमारा जो किचन होता है ना, तो वो सबसे सब कुछ मिल जाता है उसमें। उसमें मेडिसिंस भी मिल जाते हैं, हमारे स्किन केयर के लिए कुछ चीज़ें भी मिल जाती है जो हमें बाहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। हर मंथ हमें पार्लर जाने के लिए रिक्वायरमेंट भी नहीं होता, अगर हम उसको सही ली उस चीज़ को सही से यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, तो वो तो सबसे बड़ा खजाना हुआ ना हमारा। उसमें चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ों से मैंने ये फेस पैक रेडी किया है और क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। वो है कॉफ़ी एंड रोज वाटर और एलोवेरा जेल एंड आपका मिल्क जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो मिल्क, इसमें रॉ मिल्क चाहिए होगा। तो इसमें क्या है, बेनिफिट क्या है इसमें, कि आपको आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक स्किन केयर आपको फेस पैक मिल जाएगा एंड आपको कोई केमिकल आपके फेस में नहीं यूज़ होंगे। और जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, करवा चौथ, दिवाली, सारे फेस्टिवल्स जो भी आ रहे हैं, उसमें पार्लर जाने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत पड़ेगी अगर हम लोग, अगर हम मैं भी और आप भी अगर वीकली दो बार यूज़ करेंगे, वीकली टू टाइम्स या वन टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने उसको कैसे पैक को रेडी किया है एंड उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी मैं आपको पैक बनाते बनाते बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सो यहाँ पर मैंने हाफ स्पून कॉफ़ी लिया है। तो सेम क्वांटिटी का हमें एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल एक्चुअली ये मेरा मैंने रेडीमेड शॉप से लिया था, तो आप इस ये ओरिजिनल जेल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोज वाटर, और रोज वाटर थोड़ा सा डालना है कि ज़्यादा ये पतला ना हो, तो उसी हिसाब से इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक्चुअली कॉफ़ी हमारे स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, डीप क्लीन करता है। एलोवेरा जेल जो होता है तो हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। पहले सबसे पहले हम अपने फेस को रोज वाटर से क्लीन करना है। कोई भी मेकअप कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे स्किन में, तो अच्छा इफेक्ट आ पड़ता है। तो एक कॉटन के थ्रू से रोज वाटर से क्लीन करके ये जो मैंने पेस्ट बनाया है उसको मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। आप अपने हाथ से कर सकते हो और कुछ भी ब्रश वगैरह से आप अप्लाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे अच्छे से लगा लूँगी, आप नेक पे भी लगा सकते हो। और जैसे कि कोहनी और घुटने में ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिखता है ना, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो, 10 मिनट रख सकते हो। लेकिन फेस पे आपको 10 से कम टाइम रखना, मतलब 7-8 मिनट रखने हैं। तो यहाँ पे अच्छे से आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वो जेल रोज वाटर उसमें ऐड हो गया था, जो थोड़ा पतला हुआ था, ज़्यादा नहीं, फिर भी अच्छे से मिक्स हो गया। अगर पतला हो जाता है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको अच्छे से लगाने के बाद हमें क्या करना है, ऐसे छोड़ देना है उसको, अपने आप उसको ड्राई होने देना है। कोई फ़ैन वैन के नीचे या एसी में नहीं बैठना है, नॉर्मल आप उसको नेचुरल तरीके से इसको ड्राई करा के इसको छोड़ देंगे। और इसको ना आप वीकली आप 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, 1 टाइम यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नोज के साइड में जो ब्लैक ब्लैक होते हैं ना, उसके ये भी ठीक हो जाता है आपका। देखिए ये ड्राई हो गया, मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमें ये कच्चा दूध लेना है, हमारे डेली हमारे घर में यूज़ होते हैं कच्चा दूध, तो कच्चा दूध लेना, उसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करना है एंड एक कॉटन के थ्रू से हमारे ये, जब तक ये दूध फिनिश नहीं होता, अपने फेस को 1-2 स्पून ले लीजिएगा, तो इस पर ऐसे टैप टैप करके लगाना है। जब तक ये दूध फिनिश नहीं होता तब तक क्या करना है, इसको अपने फेस पे लगाना है। उसके बाद हल्के हाथ से मसाज करना है और उसके बाद हमें वॉश करना होगा। 5 मिनट आप उसको मसाज कर लीजिएगा एंड देखिए मैंने वॉश कर लिया। सो गाइस, मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे यूज़ किया था मैंने, मैंने कैसे बनाया, कैसे अपने फेस पे अपने अप्लाई किया है। तो मैंने जो इसको, मुझे जो पता चला जब मैंने इसको यूज़ किया, मुझे भी नहीं पता था कि कितना क्या कैसा किसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अब ट्राई करने के बाद ही पता चलता है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जो स्किन है वो ना ड्राई है ना ऑयली है, हर
कुछ भी चीज़ें मेरे फेस पे सूट कर जाता है, कुछ वो गड़बड़ नहीं होता, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। तो मैं हर चीज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ, नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे चीज़ें मैं अपने फेस पे लगा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फेशियल नहीं करती, मैं ब्लीच नहीं करती, यही सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ें मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और फेस पैक लगाती हूँ। घर पे बनी हुई चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड बाय बाय, लव यू।